वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग ग्रामर, ट्रांसलेशन और रिटेन एज स्पोकन इंग्लिश की बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर आर्टिकल के बारे में अध्ययन करेंगे। आर्टिकल है क्या, आर्टिकल के प्रयोग कैसे करेंगे, आर्टिकल क्या किसी सेंटेंस में क्या इम्पोर्टेंस होता है, आर्टिकल का काम क्या होता है, इस वेरियस पॉइंट के बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। एक वर्ड हुआ हमारे पास, दैट इज कॉल्ड आर्टिकल। अब ये आर्टिकल है क्या, सबसे पहले हम डिफिनेशन को देख लेते हैं। एन आर्टिकल इज ए वर्ड। आर्टिकल को एक वर्ड के कैटेगरी में रखा गया है, यानी इसे एक वर्ड माना जाता है। विच इनफॉर्म्स द अराइवल ऑफ ए नाउन इन अ सेंटेंस। एक लाइन में हमने डिफिनेशन को जाना, एन आर्टिकल इज अ वर्ड विच इनफॉर्म्स द अराइवल ऑफ ए नाउन इन अ सेंटेंस। आर्टिकल का काम है यह बताना कि जिस सेंटेंस का हम अध्ययन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं या बोल रहे हैं, उसमें नाउन का प्रयोग है। यानी किसी सेंटेंस में नाउन होने का प्रमाण इस आर्टिकल के द्वारा प्राप्त होता है। दूसरी बातें आप जानेंगे, और एन आर्टिकल इज अ वर्ड विच मेक्स अ नाउन सर्टेन और अनसर्टेन। आर्टिकल एक वर्ड है, वर्ड के अनुसार इसे एडजेक्टिव के कैटेगरी में रखते हैं, इसे डिटरमिनर्स बोला जाता है। यानी इसके फॉर्म जो है ना चेंज नहीं होते, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, टेंस, वर्ब, इसका प्रभाव जो है ना आर्टिकल पे नहीं पड़ता। तो वह सभी वर्ड जो होते हैं जिसमें अन्य किसी एक्शन का, भार्व का, सब्जेक्ट का, पर्सन का, नंबर का प्रभाव नहीं पड़ता हो, उसे हम लोग डिटरमाइनर्स बोलते हैं। तो आर्टिकल को डिटरमाइनर्स के कैटेगरी में रखा गया या एडजेक्टिव के कैटेगरी में रखा गया है। तो एन आर्टिकल इज अ वर्ड विच मेक्स अ नाउन। आर्टिकल एक ऐसा वर्ड है जो बताता है दिया गया नाउन सर्टेन है या अनसर्टेन है, निश्चित है या अनिश्चित है। तो हम इन दोनों के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे कि कब कोई नाउन सर्टेन होता है और कब कोई नाउन अनसर्टेन होता है। नाउ लुक सम एग्जांपल्स हियर। आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़का को देखा। किसको देखा, एक लड़का को देखा। तो एक इंफॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर किया कि मैंने किसे देखा, लड़का को देखा। तो बॉय यहां पे नाउन है, बॉय को नाउन को कैटेगरी में रखा गया। अब देखेंगे इस बॉय से संबंधित कुछ क्वेश्चन को हम लोग सुन ले। मैंने जिस लड़का को देखा वो लड़का कैसा है, कैसा था, छोटा था, बड़ा था, गोरा था, काला था, अमीर था, गरीब था, क्या था, नो इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा बस एक ही इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि मैंने एक लड़का को देखा, बाकी उस लड़का के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो वह नाउन जिससे जुड़ा हुआ आपको मात्र एक इंफॉर्मेशन पता हो, उसे हम लोग अनसर्टेन नाउन बोलते हैं। यानी बॉय को यहाँ पे हम अनसर्टेन नाउन के कैटेगरी में रखेंगे। इन द सेम वे सीता सॉ एन एलिफेंट, सीता ने एक हाथी को देखा। सीता ने क्या देखा, हाथी को देखा। अब हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है कि सीता ने हाथी को देखा। अब हाथी से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, हाथी कैसा था, हाथी क्या कर रहा था, हाथी का साइज क्या था। यानी कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है जो हाथी को एक्सप्लेन कर सके, इस एलिफेंट को एक्सप्लेन करने के लिए। अतः इसे भी हम लोग अनसर्टेन नाउन के कैटेगरी में रखेंगे। यानी इस तरह के जो नाउन होते हैं
जिससे जुड़ा हुआ आपको एक इंफॉर्मेशन प्राप्त हो उसे हम लोग अनसर्टेन नाउन बोलेंगे। दूसरा देखेंगे, ही इज द बॉय, वह वही लड़का है। कौन लड़का है? वही लड़का है। आप इस चीज को ऐसे समझ लीजिए, किसी ने बोला वह वही लड़का है, तो सबसे पहले बॉय को हम जो है ना नाउन के कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन अब यहां एक क्वेश्चन हुआ कि कौन लड़का है, तो वही लड़का है। वही कहने का मतलब हो गया कि हम इसके बारे में पहले से जानते हैं, और अब दूसरी अन्य सारे इंफॉर्मेशन हमको दिए जा रहे हैं कि यह वही लड़का है। तो जिस नाउन के बारे में कई इंफॉर्मेशन आपके सामने होता हो उसको हम लोग सर्टेन नाउन बोलते हैं। तो नाउन सर्टेन और अनसर्टेन कब होता है, यहां तक बातें तो समझ में आ गया हमें और आपको। नाउन सर्टेन कब है, अनसर्टेन कब है, एनी प्रॉब्लम? चलिए डन, यहां तक फाइनल। अब देखिएगा, ये जितना भी सेंटेंस में नाउन यूज किए गए हैं, जैसे यहाँ बॉय है, एलिफेंट है, फिर बॉय है, इसके पहले एक एक टर्म का प्रयोग है। क्या? ए है, एन है और द है। तो इस टाइप के जो वर्ड है जो किसी नाउन को सर्टेन और अनसर्टेन करने के लिए यूज किए जाते हैं, इन्हें आर्टिकल बोला जाता है। अब आप यहां तक कंफर्म हो गए आर्टिकल क्या है। आर्टिकल एक वर्ड है जिसका प्रयोग किसी नाउन के पहले होता है और वह उस नाउन को निश्चित या अनिश्चित होने का बोध कराता है। नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिकल इज ऑफ टू काइंड्स। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है इंडेफिनिट आर्टिकल और नेक्स्ट होता है डिफिनिट आर्टिकल। यहां हमने आर्टिकल को दो ग्रुप में रख दिया या दो वर्ग में रख दिया, क्योंकि आर्टिकल का काम है नाउन को दो तरह से ही प्रेजेंट करना, या तो सर्टेन फॉर्म में प्रेजेंट करता है, नहीं तो अनसर्टेन फॉर्म में प्रेजेंट करता है। अतः आर्टिकल कुल मिलाकर के दो होते हैं। यहां तक फाइनल। अब हम इन दोनों के बारे में विस्तार से यहां देख ले। यहां एक टर्म है इंडेफिनिट आर्टिकल, इसे समझ लीजिए। द आर्टिकल विच मेक्स अ नाउन सर्टेन, मेक्स अ नाउन अनसर्टेन इज कॉल्ड इंडेफिनिट आर्टिकल। वो आर्टिकल जो किसी नाउन को अनसर्टेन करता है, यानी कि अनिश्चित होने का बोध कराता है, उसे हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। तो अनसर्टेन नाउन के लिए आप इन दोनों एग्जांपल को यहां पुट कर सकते हैं। जैसे ही इज अ बॉय, आई हैव ईटन एन एप्पल। यहां ए बॉय और एन एप्पल हम देख रहे हैं, ये दोनों अनसर्टेन है, पता नहीं वो कौन सा लड़का है, पता नहीं वो किस एप्पल के बारे में हम बात कर रहे हैं। अतः हेंस यहां से ए को रखिए एंड एन को रखिए, इन्हें आप इंडेफिनिट आर्टिकल बोलेंगे। क्या बोला जाता है इसको? इंडेफिनिट आर्टिकल। एनीबॉडी एनी डाउट? नोट कीजिए, आगे हम देखते हैं इनके यूजेस को, इनके फंक्शंस को। यहां तक हम लोग जो है आर्टिकल सेक्शन में
इंडिफिनिट आर्टिकल को समझा कि इंडिफिनिट आर्टिकल है क्या। अब इसको भी सर से हम लोग देख लेते हैं। इंडिफिनिट आर्टिकल, यहां हम लोग यूजेस एंड फंक्शंस के बारे में जानेंगे कि इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग और कार्य क्या होता है। पहला पॉइंट देखिएगा, ए और एन को इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ए या एन का प्रयोग हमेशा किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। ए और एन का प्रयोग हमेशा किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है, यानी जिस नाउन के पहले आप ए या एन का प्रयोग करेंगे, सबसे पहले नंबर के अनुसार वह नाउन सिंगुलर होना चाहिए और वह काउंटेबल होना चाहिए, यानी जिसे हम गिन पाएंगे। अब सिंगुलर नाउन क्या है, काउंटेबल नाउन क्या है, हम लोग प्रीवियस क्लासेस में इसके बारे में विस्तार से अध्ययन कर लिए हैं। अगर आप ना किए होंगे तो इस चैनल के सेक्शन में आप जाएंगे बेसिक ग्रामर में, और वहां से आप नाउन सेक्शन का अध्ययन करेंगे, जहां से आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त हो जाएगा। तो हमने देखा कि ए एन को इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं, ए एन का प्रयोग हमेशा किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। फिर भी ए का प्रयोग उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है जिसका उच्चारण मतलब प्रोनंसिएशन कंसोनेंट साउंड यह ध्वनि का बोध कराता है। साउंड नॉट लेटर, लेटर और साउंड में डिफरेंस होते हैं, कैसे आपको इसी सेक्शन में विस्तार से बता देंगे। कंसोनेंट साउंड से होता हो, इसी वर्ड का उच्चारण करना, आप समझ रहे हैं उच्चारण का मतलब क्या होता है। हम उसको जो साउंड देते हैं, जो नाम देते हैं, जो प्रोनंसिएशन देते हैं, यानी उसे किस वर्ड से, किस लेटर से, किस साउंड से बोला जाता है, पढ़ा जाता है, यह उच्चारण कहलाता है। यानी किसी चीज को पढ़ना या बोलना, एक साउंड देना, तो वह सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसका उच्चारण कंसोनेंट साउंड से होता हो, उसके पहले हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। तो यहां टर्म हो गया कंसोनेंट साउंड। अब इन चीजों को ऐसे समझ लीजिएगा, अर्थात इन हिंदी क से लेकर गया तक जो टर्म होते हैं कंसोनेंट साउंड के नाम से जाने जाते हैं। अब कैसे, किसी भी वर्ड के पहले, आर्टिकल भरने के पहले, यूज करने के पहले आप इस ट्रिक को आसानी से फॉलो कर सकते हैं। जैसे यहां एक टर्म देखेंगे, हमने लिखा बैट, क्या पढ़ा इसको, बैट, तो इसकी उच्चारण जो है ना ब से होता है, तो ब जो है ना आपके कंसोनेंट साउंड इस कैटेगरी में आ गया, तो इसके पहले आप ए का प्रयोग करेंगे, अ बैट। जैसे कैट, यहां पे जो है ना हमने इसका उच्चारण क से किया, तो आप इसके पहले ए का प्रयोग कर सकते हैं, ए कैट। इन द सेम वे डॉल,
हमने इसको ड यानी कि कंसोनेंट साउंड का नाम दिया, तो इसके पहले ए का प्रयोग करते हैं, ए डॉल। यहां तक क्लियर हुआ? हम लिखे किस लेटर से हैं उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, हम बोल किस साउंड से रहे हैं उस पर हमें ध्यान देना है, उसके अनुसार ए एन का प्रयोग होता है। जैसे यहां एक पॉइंट को आप देखेंगे, कभी कभी कुछ ऐसे भी भावेल लेटर होते हैं जिसको कंसोनेंट साउंड से उच्चारित किया जाता है, प्रोनाउंस करते हैं हम उसको। जैसे मान लीजिए वन ए प्ले, यहां पे हमने वॉवेल लेटर से लिखा, लेकिन जब इसको पढ़ेंगे तो यह आपका कंसोनेंट साउंड हो गया, कंसोनेंट साउंड। अतः इसके पहले आप ए का प्रयोग करेंगे, ए वन एट प्ले। जैसे यू, हमने इसे तो वॉवेल लेटर से लिखा है लेकिन इसको कंसोनेंट साउंड से बोला जा रहा है, अतः इसके पहले आप ए का प्रयोग करेंगे। तो अन्य कुछ ऐसे टर्म हैं जहां पे लेटर वॉवेल होते हैं बट साउंड कंसोनेंट होता है, अतः ए एन का प्रयोग करने के लिए हमें लेटर का नहीं बल्कि साउंड पर ध्यान देने की जरूरत होती है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ओके, राइट डाउन। देखते हैं, हमने इसके थ्री पॉइंट को पढ़ा। आफ्टर डैट एन का प्रयोग उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है जिसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन वॉवेल साउंड से होता हो। आप यहां एक पॉइंट यहां भी देखिएगा, हम यहां वॉवेल साउंड को अपने भाषा में अ से अह तक के अक्षरों को देखेंगे, यानी आप किस लेटर से लिख रहे हैं डजंट मैटर, पढ़ने के दौरान ये वाला टर्म यूज होना चाहिए। अगर उसका प्रोनाउंसिएशन अ से लेकर अह तक किसी भी लेटर से साउंड से होता है तो हम उसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। हाउ? जैसे यहां देखिएगा एप्पल, आपने इसको ए से पढ़ा एप्पल, हम इसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। एलिफेंट, इसे भी हम लोग ए से ही पढ़ेंगे, इसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। इंक पॉट, हमने भी इसको ई से पढ़ा, एन का प्रयोग करेंगे। ऑरेंज, हमने इसको अ से पढ़ा, एन का प्रयोग करेंगे। अम्ब्रेला, हमने इसको अ से पढ़ा, इसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। यानी वो कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसका प्रोनाउंसिएशन वॉवेल साउंड से होता हो, वॉवेल साउंड को समझने के लिए आप अपने भाषा हिंदी भाषा का अध्ययन करेंगे,
वहां से साउंड आसानी से समझ में आ जाएगा। लेटर और साउंड में डिफरेंस होते हैं। ये जो हम फिगर बनाए हैं, जो लिखे हैं, दैट्स द कैरेक्टर, ये लेटर बोला जाता है। और जब हम इसको पढ़ते हैं, हम जो सुन रहे हैं उसको साउंड कहा जाता है। लेटर और साउंड जो है ना डिफर होते हैं। अगर ये वॉवेल साउंड से उच्चारित होता है, प्रोनाउंस्ड होता है, तो इसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। सेम पॉइंट को यहां देखेंगे, कुछ कंसोनेंट लेटर होते हैं, कंसोनेंट लेटर जिसको वॉवेल साउंड दिया जाता है और इसके पहले एन का प्रयोग किया जाता है। हाउ? जैसे एन आवर, इसको हम लिखे तो एच से हैं, मतलब कंसोनेंट लेटर से लिखे हैं, लेकिन इसे वॉवेल साउंड से पढ़ा गया, अतः इसके पहले एन का प्रयोग होता है। जैसे एन ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट लिखे तो एच से हैं, लेकिन इसको वॉवेल साउंड से हमने पढ़ा आ से, तो इसके पहले एन का प्रयोग होता है। जैसे एफ आई आर, एफ आई आर, तो यहां एफ को ए से प्रोनाउंस किया गया, तो इसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। जैसे एस डी ओ एस, इसे यहां भी प्रोनाउंसिएशन हम ए से ही दे रहे हैं, अतः इसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। बोलिए यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? कब कंसोनेंट लेटर के पहले एन का प्रयोग हो जाता है, वॉवेल लेटर के पहले ए का प्रयोग हो जाता है, जस्ट थर्ड पॉइंट को, वह सभी सिस्टम जो है ना साउंड पर निर्भर करता है। जो आप सुन रहे हैं, जिस टर्म से आप बोल रहे हैं, वह साउंड के कैटेगरी में होता है। उम्मीद करते हैं कि आप ए और एन के प्रयोग को भली भांति समझ गए होंगे। इतना नोट करते हैं, इसके आगे अब अन्य यूजेस को देखें जहां ए एन का प्रयोग भिन्न भिन्न तरीके से यूज किए जाते हैं। ओके, राइट डाउन। जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किसी एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो ई या एन का प्रयोग उस एडजेक्टिव के पहले होता है। कभी कभी किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग हो जाता है, उस परिस्थिति में आप ए और एन का प्रयोग उस एडजेक्टिव के पहले करेंगे। कैसे? जैसे यहां देखते हैं, जैसे एन ऑनेस्ट बॉय, यह सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसके पहले एक एडजेक्टिव का प्रयोग है, एन का प्रयोग यहां होगा। ए गुड बुक, यह सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसके पहले एक एडजेक्टिव का प्रयोग है, अतः
ए एन का प्रयोग इसके पहले होगा, जैसे ए हैंडसम बॉय, सिंगुलर काउंटेबल नाउन एडजेक्टिव, अतः ए एन का प्रयोग इसके पहले होगा। जैसे यहां देखिएगा एन इंटेलिजेंट गर्ल, यह सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसके पहले एक एडजेक्टिव है, अतः एन का प्रयोग इसके पहले होगा। तो यहां का तो क्लियर हो गया कि अगर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो आर्टिकल का प्रयोग इंडिफिनिट आर्टिकल यानी ए एन का प्रयोग उस एडजेक्टिव के पहले किया जाएगा। अब कुछ अन्य पॉइंट को देखिएगा, एन ऑनेस्ट बॉयज हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि नाउन इस बार प्लुरल फॉर्म में हुआ। ए गुड वाटर हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि नाउन यहां पे अनकाउंटेबल हुआ। आप ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं ऑनेस्ट अ बॉय, क्योंकि यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो आर्टिकल का प्रयोग यहां होगा न कि यहां होगा। क्लियर हो गया। लेकिन अगर सिंपल नाउन हो, सिर्फ मान लीजिए आप बॉय को लिख रहे हैं, तो आप वहां ए का प्रयोग कर सकते हैं। अगर कोई नाउन अपने सिंगुलर काउंटेबल फॉर्म में होता हो तो उसके पहले ए एन का प्रयोग किया जा सकता है। अगर इसके पहले एडजेक्टिव हो तो ए एन का प्रयोग उस एडजेक्टिव के पहले होता है। अगर नाउन या अनकाउंटेबल हो या प्लुरल फॉर्म में हो तो हम इसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। कंप्लीट। आज के क्लास में हम लोग इंडिपेंडेंट आर्टिकल के 5 यूजेज को देखे। क्लासेस जारी रहेगा, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे जिसमें हम लोग विस्तार से ए एन के बारे में और पढ़ेंगे, अन्य सारे यूजेस के बारे में पढ़ेंगे जहां से आप आसानी से आसानी तरीकों में ए एन को यूज करना सीख सकते हैं। अब तक के लिए क्लास के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। ओके, राइट डाउन।